बुरहानपुर जिले के नेपानगर वन परिक्षेत्र के बदनापुर गांव के जंगलों में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई फायरिंग के हालात जानने मंत्री ओंकार सिंह मरकार बदनापुर सिविल पहुंचे और तुलसी सिलावट बरगद के नीचे दरबार लगाया। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के बदनापुर सिविल में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के दौरान आदिवासियों से हुई झड़प और फायरिंग का मामला गरमाने लगा है। मंगलवार को फिर प्रदेश सरकार के दो मंत्री गांव पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को समझने का प्रयास किया। मंत्री बदनापुर होते हुए सिविल पहुंचे प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री ओंकार सिंह मरकाम और स्वास्थ्य व जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी राम सिलावट ने सिर्फ आदिवासियों द्वारा बनाए गए झोपड़े और काटे गए पेड़ों के टूट देखे, बल्कि गांव में बरगद के नीचे दरबार लगाकर आदिवासियों की बात सुनी और सरकार की ओर से भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदिम जाति कल्याण मंत्री मरकाम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आदिवासियों को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ बेहद संजीदा हैं। उनके निर्देश पर ही हम यहां निरीक्षण करने पहुंचे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यहां साल 2004 से 5 और 14 से 15 में पौधारोपण किया गया था। इन पेड़ों के कटे हुए ठूंठ प्रथम दृष्टया निरीक्षण में सामने आए हैं। देखने से पता चलता है कि इन पेड़ों को करीब साल भर पहले काटा गया है। यदि पूर्ववर्ती सरकार ने समय रहते इस पर ध्यान दिया होता तो आज ऐसे हालात नहीं बनते। पिछली सरकार को आदिवासियों के पट्टे और जंगल की अवैध कटाई अतिक्रमण के मामले को गंभीरता से लेना था। कमलनाथ सरकार अब इसकी गंभीरता से समीक्षा कर रही है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। पात्र लोगों को वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे दिए जाएंगे, इसके लिए वह वचनबद्ध हैं। इसके लिए हमने वन वित्त का गठन भी कर रखा है, 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। दोनों मंत्रियों से बातचीत के दौरान माधुरी बेन समेत अन्य आदिवासी नेताओं ने वन अमले पर अत्याचार, फसलें उजाड़ने, जबरन बेदखल करने और फायरिंग करने के आरोप लगाए। उन्होंने मंत्रियों को 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि रविवार तक दोषी DFO समेत अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो सोमवार को थाने का घेराव करेंगे। सुना जाएगा, उसके बाद समीक्षा की जाएगी और सारी सारी समीक्षा हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया सम्माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास भी ये समीक्षा भेजी जाएगी। 9 तारीख को घटना घटी है, आज तक न तो उसके आधार पे क्या हो सकता है अच्छा और किस तरह से नियमों के पालन हम धरातल में करेंगे, उस विषय में हमने माननीय उच्च न्यायालय में अनुरोध किया था जिसमें हमें समय भी मिला है और इस पे हमारा कार्य प्रारंभ है। इसके लिए मैंने अपने विभाग में वन मित्र की गठन भी किया हूं और इसकी सूक्ष्मता से परिपालन करने में हम लोग पूरी तरह से विधि संगत कार्य करेंगे। मौके पे आपने देखा कि यहां पर अतिक्रमण हुआ है, उसके बावजूद भी वन विभाग के कर्मचारियों पर जो केस बना है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए वहां पर क्या परिस्थिति थी, किस तरह से स्थिति थी, कैसे केस पंजीबद्ध हुआ है, ये तो जब हम पूरी तरह से सभी विषयों को समझेंगे सुनेंगे तभी उस विषय में कुछ कह पाना उचित होगा। मंत्री जी बताइए।